सी द ब्यूटीफुल पिक्चर्स, इसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी फाइल में, कितना इनोवेटिव सीन है ये। और लेक है इसमें, देखिए बोटिंग भी हो रही है, और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक नई चीज़ बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें हम वेस्ट बॉटल्स का यूज़ करेंगे और प्लांटिंग पॉट रेडी करेंगे, जिससे आप बहुत सुंदर ही अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और ब्यूटीफुल गार्डन, इंडोर गार्डन को रेडी कर सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है, ये देखिए ठीक है, कितना ब्यूटीफुल सीन है। तो मेरे साथ शुरू करेंगे प्लांटिंग पॉट। बेटा हम प्लांटिंग पॉट बनाएंगे बहुत सिंपल और सोबर। तो मैंने इसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली, आप किसी भी तरीके की बॉटल ले सकते हैं, कटर और हमें सीजर, कलर और ब्रशेस के हेल्प से इसे हम बनाना शुरू करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल और इनोवेटिव पॉट है। सबसे पहले हम बॉटल ले लेते हैं और उसका इस तरीके से आप उसका जो लेबल है उसको रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इसको रिमूव करना है आपको प्रॉपरली। इसके बाद हम लोग इस पर एक मार्क कर लेते हैं, मार्कर की हेल्प से, कि हमको कितना बड़ा इसको कट करना है। तो मैंने ये एक मार्क बना लिया, जो कर्व है उसे हम पूरा कर्व शेप में कट कर लेंगे। जो मैंने ऊपर वाला है कोक के अंदर ये जो एरिया डिफाइंड है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले आप कटर की हेल्प से इसमें कट मार्क कर लेंगे, फिर आप चाहें तो सीजर की हेल्प से पूरा ऐसे कट कर सकते हैं। देखिए हमने इसे अलग कर लिया, ऐसे में फिनिश कर लेती हूँ। बॉटल को आप वॉश करके रखेंगे। अब हमें ये दोनों जो पीसेज हैं इसको दोनों को सेव करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको कलर आप कुछ भी कर सकते हैं आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है। मैं इस पर येलो कलर का फैब्रिक पेंट कर रही हूँ। बेटा आप चाहें तो बेटर है इस पर ऑयल पेंट करें, ऑयल पेंट ड्यूरेबल होता है, लेकिन फैब्रिक कलर इजीली आपके पास में है तो आप वही कलर को ट्राई कर सकते हैं, और पेंट भी कर सकते हैं और फैब्रिक कलर भी कर सकते हैं। इस पर डबल कोट करना होगा हमें, मैंने इस तरीके से इसे पूरा कंप्लीट करना है ऑयल पेंट कर, ये पेंट करके। ये देखिए मैंने इसको सिंगल कोट कर लिया, वेट कर रही हूँ ड्राई करने का, बड़ा प्रॉपरली होना चाहिए कोट। इसके ऊपर हमें डबल कोट करना होगा, तो मैं इसके ड्राई होने का वेट करती हूँ, फिर हम इस पर नेक्स्ट कोट करेंगे। जब तक हमारा वो ड्राई होगा, मैंने ये अपर पोर्शन लिया है इसका, इसको मैं फ्लावर शेप बनाना चाह रही हूँ इसका। तो मैंने इस पर फ्लावर वाला मार्किंग इस तरीके से लाइट लाइट मार्किंग, आप कर्व शेप बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें पेटल्स का शेप दिया है, जिससे मैं ये फ्लावर्स बनाऊंगी। जब प्लांट्स के बीच में आप ये फ्लावर्स लगाएंगे ना, जैसे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ये वाटरप्रूफ हो गए क्योंकि प्लास्टिक का बना है, और हमने इसका वेस्ट बॉटल को वेस्ट भी नहीं करा, अपर पार्ट इसका हमने को प्लांटिंग के रूप में डेकोरेट कर लिया। मैंने ये कर लिया है, अब हम इसे कटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर। बेटा ये कट डीप बन जाएंगे आपके इस तरीके से, ये देखिए मेरा ये सारा फ्लावर शेप कट गया है। हम ऐसे इस तरीके से पेटल्स को मैंने डीप कट किया है, आप देख पा रहे हैं डीप कट है, तो मैंने इसको इस तरीके से उसको फोल्ड कर लिया। फिर से हम पेंट करेंगे, ये देखिए इतना ब्यूटीफुल फ्लावर बनेगा जब ये लगेगा सनफ्लावर जैसे। ये देखिए मैं इस तरीके से इसमें के पेटल्स में कलर कर रही हूँ। इनसाइड आप चाहें तो सेम कलर भी कर सकते हैं, चाहें तो कंट्रास्ट कलर भी कर सकते हैं, दोनों ही बेटर लगेंगे। अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है आप डबल कोट करिए, बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, लेयर थिक होनी चाहिए थोड़ी सी इसकी। अब
अब इसका हम ड्राई होने का वेट करेंगे, फिर मैं इसमें इनसाइड डिफरेंट कलर करूँगी। बेटा ये देखिए हमारा ये ड्राई हो चुका है सिंगल कोट, और उससे पहले मैंने एक उस पर मार्क कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए तो मैंने इस तरीके से इसमें होल कर दिया है कटर से। अब आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं या फिजर से इसमें से एक रिंग निकाल सकते हैं प्रॉपर नाप के अपने अकॉर्डिंग। फिर हम रिंग को अलग से पेंट करेंगे, ठीक है, इसमें डबल कोट होना है नहीं तो ये फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, इसलिए रिंग पहले से हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी ये रिंग सेपरेट हो गई है और ये बॉक्स है, मैं बॉक्स के ऊपर अगेन येलो कलर वापस से कर रही हूँ सिंगल कोट कवर करने के लिए, जैसे ये जो पैचेस आए हैं वो पैचेस ना आए। आप ऑयल कलर करेंगे तब भी आपको टू टाइम्स करना होगा, तो अगेन आप एक कोट कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट पेंट हो चुका है, हम इसका फिर वेट करेंगे ड्राई होने के लिए। हमारा ये वाला जो है ये ड्राई हो चुका है, तो इसे भी हम अंदर से येलो पेंट कर लेते हैं। बेटा ये हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसे इस पॉइंट तक कट कर लेंगे इक्वल पार्ट में। वन वन सेंटीमीटर के गैप में कट कर लेते हैं पूरा। ये देखिए कट हो चुका है, अब मैंने क्या किया है इसको ऐसे प्रेस किया है, जो रिंग बनाई थी उसको उसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दिया, बहुत ध्यान से क्योंकि फैब्रिक कलर है हट भी सकता है। इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करा है, जब रिंग चली जाएगी इसके अंदर तो आप एक एक पीस उठाएंगे और इसके अंदर फोल्ड करेंगे ऐसे। ये देखिए बेटा मैंने इसको अरेंज कर लिया, इस तरीके से रोल कर लिया है और ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम प्लांट लगा सकते हैं, आपको बॉटम में एक में होल करना होगा जिससे पानी एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकल सके। साथ ही मैंने जो फ्लावर आपको बनाना सिखाया था उसके लिए मैंने ये वायर लिया है, वायर के अंत को मैंने ट्विस्ट करा है इस शेप का। आपको ये बॉटल का कैप लेना है, इसमें इसको फिट करना है इस तरीके से और इस तरीके से इसे रोल कर देंगे। आपका ये फ्लावर रेडी है, थोड़ा प्रेस कर लेंगे आप इसे। मैंने इसके अंदर ब्राउन कलर के कलर से इसमें डॉट लगाई है, जब ये प्लांट में ऐसे लग जाता है तो बहुत ही ब्यूटीफुली शो करेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगता है। देखिए हमारा प्लांटिंग पॉट रेडी हो चुका है, आप इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाइए, अपने घर को डेकोरेट करिए और ग्रीन प्लांट के साथ में जो हम लोग अपना आर्टिफिशियल ये प्लांट लगा देते फ्लावर लगा देते हैं तो ये और ब्यूटीफुल हो जाता है। लेकिन मैंने वायर का यूज़ किया ना, बताया जैसे आपको ये खराब भी नहीं होगा और हमेशा खिले रहेंगे। थैंक यू। बेटे हमने एक वाटर बॉटल्स ली हैं, ये 6x7, उससे मैंने एक हैंगिंग रेडी करा है और मैं आपको केवल पिक्चर शो कर रही हूँ और किस तरीके से हमने बनाया है। हमने टू पार्ट में बॉटल्स को डिवाइड कर लिया, अपर पार्ट को मैंने डाउनवर्ड्स हैंग किया है विद अ रोप और ऊपर वाला जो नीचे वाला पार्ट रह जाता है उसमें मैंने होल करके पाइप को उसमें फिट कर दिया है और उसमें फिर सैंड फिल करके फिर प्लांट लगाया है। ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं तो आपको इसमें लग भी जाएंगे और इसमें पानी भी बहुत कम चाहिए होता है हमें। और जो नीचे हमने प्लांट लगाए हैं वो भी हमने ग्रासेस टाइप में लगाए हैं, उसे ब्यूटीफुल से हैंगिंग हमने पेंट करके इसे डेकोरेट किया है, तो आप भी प्लीज़ ट्राई करिएगा कितना ब्यूटीफुल हैंगिंग और घर को डेकोरेट करिए। सेकेंड ऑप्शन हमने ये ऑयल कैन लिया है, उसको मैंने टू पार्ट में डिवाइड करा है अगेन और इसको मैंने हैंडल को इसके क्यूफिक्स की हेल्प से प्लेस फिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसमें सीमेंट का भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेबल हो जाता है। और हमने ऑयल पेंट से ही इसकी आईज़ और नोज़ और माउथ बनाया है और इसमें प्लांटिंग करके और ब्यूटीफुल सा एक डेकोरेटिव पीस बनाया है, अपने पॉट बनाया है, अपने गार्डन को डेकोरेट किया है।
ये हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली है, इसको भी कट करके पेंट किया है और मिक्की और मिनी का कलर शेड करके इसको डेकोरेट किया है और सिंगल पोज सिंगल पेट बनाया है और बहुत ब्यूटीफुल सा पॉट रेडी किया है।